मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट आज सीखेंगे न्यू चैप्टर 10 प्ले विथ पैटर्न्स। पैटर्न का मतलब होता है जब कोई सेम चीज दोबारा रिपीट हो रहा हो तो वह एक पैटर्न बन जाता है। जैसे आप गेट देखे हो या आपके घर में ग्रिल होगा देखे होगे, उसमें एक जैसा ही डिजाइन बना होता है एक के बाद, तो वो एक नया पैटर्न बन जाता है। ओके, पैटर्न्स अराउंड अस इन एवरीडे लाइफ वी सी मेनी पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल वी सी, आप देखे होगे कि हर दिन हम नया नया डिजाइन देखते हैं, नया नया पैटर्न देखते हैं, हर रोज कुछ अलग हो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक है बारबेड वायर, ये वायर है, यहाँ भी एक नया पैटर्न बना है जिसे हम पैटर्न नहीं समझते, लेकिन हर चीज़ में हर जगह पे कुछ नया पैटर्न बना होता है। तो देखिए ये पैटर्न बना है, ये इस तरह से क्रॉस करके आया, फिर इस तरह से करते हुए गया और यहाँ पे इसको एक ऐसा इस तरह बना, ऐसे ही रिपीट यहाँ हुआ इस तरह से, तो ये एक जैसा बनता गया तो ये एक नया पैटर्न बन गया। ग्रिल ऑफ ए विंडो, आप देखे होंगे कि आपके विंडो के ग्रिल में भी कुछ अलग अलग पैटर्न बना होता है। आपके बुक में तो ऐसा पैटर्न दिया है, लेकिन आप अपने घर में भी देखना, कुछ अलग अलग आपके घर में अलग अलग पैटर्न बना के ग्रिल होगा, उसमें डिजाइन होगा, पैटर्न होगा, तो ये भी एक जैसा है इसलिए ये भी एक पैटर्न बन गया। ए स्नैक, ये स्नैक के ऊपर आप देखो एक पैटर्न बना है, इस तरह से स्क्वायर पैटर्न बना है, देखो थोड़े दूर पे एक के बाद एक ये बना है, तो ये भी एक, जब हम इसको देख रहे हैं तो ये भी एक पैटर्न के जैसा दिखाई दे रहा है। लुक अराउंड यू एंड लिस्ट 3 थिंग्स इन विच यू फाइंड सम पैटर्न्स। आप अपने आसपास इधर उधर देखो, कुछ एक जैसे कुछ होंगे जहाँ पर आपको एक जैसा ही पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि अगर आप अपने आपके घर में किचन में या फिर बाथरूम में आप टाइल्स लगा होगा तो आप देखते होगे कि वहाँ पे इस तरह से टाइल्स एक के बाद एक पैटर्न बनाकर लगाया हुआ होता है। तो ये एक हमारा पैटर्न हो गया। फिर सेकेंड कि अगर आपकी आप ड्रेस पहनते हो तो ड्रेस में भी कुछ अलग टाइप के पैटर्न एक जैसे ही दिखते होंगे, एक के बाद एक बने हुए ऐसे ऐसे, तो इस तरह का अगर ड्रेस में भी कोई होता होगा पैटर्न। फिर अगर आपके घर में बेडशीट होगा तो बेडशीट में देखना, टेबल कवर में भी होगा तो ये फ्लावर्स बने होंगे एक जैसे ही, तो ये भी एक तरह का पैटर्न बन गया। ओके, draw some patterns which you have found around yourself। यहाँ पे कुछ patterns बनाने हैं आपको जो आप देखे हो। तो जैसे देखो आप आपके घर में आप सीढ़ी पे चढ़ते होगे तो वहाँ पे साइड से उसको देखोगे तो ये इस तरह का दिखाई देगा, तो इस तरह से दिखता होगा, तो ये भी एक pattern बन गया। फिर आपके घर के ग्रिल होंगे विंडो में, उसमें भी देखना कुछ ये, मेरे घर में तो इस तरह के हैं इसलिए मैं ऐसा बनाई हूँ, आपके घर में अगर जैसे ग्रिल होंगे तो आप अपने हिसाब से आप देखना कि उसमें कैसे डिजाइन बनाए हैं, कैसे पैटर्न बने हैं, तो वो यहाँ पे ड्रॉ कर देना। फिर आपके घर में देखे होंगे कपबोर्ड बने होंगे, उसमें भी कुछ इस तरह का बना होगा, अलग अलग एक जैसे भी होंगे, तो वो भी एक पैटर्न बन गया। पेज नंबर 145। हेलो, आई एम पल्लवी, आई लिव इन जयपुर, माय सिटी इज नॉन फॉर क्लॉथ्स विथ ब्लॉक प्रिंट्स, हैव ए लुक एट सम ऑफ द ब्लॉक प्रिंट डिजाइंस मेड बाय माय मदर। ये पल्लवी है जो बता रही है कि मैं जयपुर में रहती हूँ और वहाँ पर ब्लॉक प्रिंट बहुत चलते हैं, कुछ ब्लॉक प्रिंट है जो मेरी मम्मी बनाई है, ये बता रही है। ये देखिए ये ब्लॉक प्रिंट उसकी मम्मी बनाई है।
She makes these designs by using block again and again. One day I got hold of the blocks and made a beautiful designs. फिर वो बोलती है कि एक दिन वो क्या बनाई, एक ब्लॉक बनाई, और ब्लॉक बनाने के बाद वो एक इस तरह का डिजाइन बनाई, और इसमें उसकी मम्मी इस ब्लॉक को एक इधर से सीधा लगाई, फिर ये उल्टा कर दी, फिर सीधा लगाई, फिर उल्टा कर दी, इस तरह से सीधा सीधा लगाई, फिर उल्टा, इस तरह से वो एक नया डिजाइन बना दी. You will see that this design have been made by using the same block in different way. उसने दिमाग लगाकर उसी को अलग बनाया, यानी कि एक को सीधा रखी, फिर एक को उल्टा कर दी, फिर सीधा रखी, फिर उल्टा की, सीधा उल्टा, इस तरह से उसी को चेंज कर दी दिमाग कर दिमाग लगाकर, तो ये एक नया पैटर्न बन गया. पेज नंबर 146. पिक्चर्स इन ए पैटर्न. आई हैव मेड सम पैटर्न्स ऑफ पिक्चर्स. आई हैव यूज्ड ए रूल फॉर ईच पैटर्न्स. यहाँ पर ये कुछ रूल बनाकर पिक्चर को लगाकर कुछ रूल बनाती है और पैटर्न बनाती है. द रूल फॉर दिस पैटर्न इज देयर इज वन गर्ल आफ्टर एवरी टू बॉय देन दिस इज रिपीटेड. ये यहाँ पे क्या रूल बनाती है कि पहले वो टू बॉय रखेगी, फिर वन गर्ल, फिर टू बॉय, फिर वन गर्ल, यानी कि हर टू बॉय के बाद एक वन गर्ल को रखेगी. इस तरह से ये एक नया पैटर्न बन जाएगा और ये रिपीटेड होता जाएगा. फिर इन दिस पैटर्न इज वन एरो अप एंड वन डाउन देन दिस इज रिपीटेड. यहाँ पे आप देखो एक एरो बना हुआ है. एक एरो ये है जो ऊपर जा रहा है, अप है, फिर डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इस तरह से ये एक नया पैटर्न बन गया है. प्रैक्टिस टाइम. गिवन बिलो आर सम पैटर्न्स. यहाँ कुछ पैटर्न्स है उसको देखो. फिगर आउट द रूल फॉर इच एंड कंटिन्यू द पैटर्न्स. यहाँ पे कुछ फिगर दिया है उसको देखना है और कंटिन्यू करना है. यानी कि देखिए यहाँ पे पॉट है बना हुआ. एक पॉट ग्रीन है, फिर रेड, ग्रीन रेड, फिर यहाँ पे पॉट बना देना है आपको. उसके बाद रेड के बाद क्या, कौन से कलर से करेंगे, ग्रीन, फिर ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद ग्रीन, इस तरह से कलर करना है, कंटिन्यू करना है. नेक्स्ट बी में है कि 2A 1B 2A 1B 2A 1B, इस तरह से जैसे कि ऊपर में वो चिल्ड्रन का था, टू बॉय वन गर्ल थी, वैसे ही इसको भी करना है. 2A 1B 2A 1B 2A 1B. ओके. पेज नंबर 147. सी, यहाँ पे आप देख रहे हो एक फ्लावर का कुछ पैटर्न बना है. यहाँ देखो ये फ्लावर के सबसे पहले वन पैटर्न लगाया है, फिर टू को छोड़ दिया, फिर थ्री पैटर्न लगाया, फिर फोर को छोड़ा, फाइव पैटर्न लगाया, फिर रिपीट हुआ ऐसे ही, पहले वन पैटर्न, फिर थ्री, फिर फाइव, फिर यहाँ पे होगा वन, फिर थ्री, फिर कितना होगा, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह से यह कंटिन्यू होता जाएगा. फिर यहाँ देखिए डी में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्लू कलर किया हुआ है. ओके. तो सबसे पहले ऊपर में किया, फिर इधर, यानी ये राइट साइड में नहीं जा रहा है, ये लेफ्ट साइड में जा रहा है. यानी कि सबसे पहले ऊपर में हुआ, फिर इधर, फिर इस साइड में हुआ, फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे, फिर ये इधर आ गया. तो आपको कंटिन्यू करना है, फिर ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, फिर इधर आएगा इस साइड, फिर नीचे आएगा, इस तरह से ये कंटिन्यू करते जाना है आपको. तो ये पिक्चर क्या है, एंटी क्लॉक बाई घूम रही है. फिर नेक्स्ट ये देखो ई में, ये सबसे पहले ऐसे है, फिर इधर आया, फिर उसके नीचे आया, यानी कि ये क्लॉक बाई घूम रहा है. घड़ी की सुई जैसे घूमता है ना, वैसे ये घूम रहा है. तो फिर यहाँ पे देखो ये वाला आया, तो अब कौन सा आएगा पिक्चर, ये बनेगा, फिर ये बनेगा, उसके बाद फिर ये बनेगा, फिर ये, फिर ये,
मतलब इस तरह से क्लॉक वाइज ये पिक्चर घूम रहा है राइट साइड से, और ऐसे ही यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट है एफ नंबर, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद क्या है आफ्टरनून, तो यहाँ लिखेंगे आफ्टरनून। नेक्स्ट है ग्रोइंग पैटर्न्स, ये बोलती है आई हैव मेड ए न्यू पैटर्न्स, ये बोल रही है अब मैं एक नया पैटर्न बना रही हूँ। वो कैसा बना रही है देखिए, ये क्या है, ये एरो, यहाँ पे एक नीचे आया फिर एक ऊपर गया, फिर एक के बाद यहाँ दो नीचे आया फिर दो ऊपर गया, फिर दो के बाद यानी कि टू के बाद फिर थ्री नीचे आया फिर थ्री ऊपर गया, थ्री के बाद फोर, फोर नीचे आएगा फिर फोर ऊपर जाएगा, फोर के बाद फाइव नीचे आएगा फिर फाइव ऊपर जाएगा, इस तरह से ये पैटर्न बनता जाएगा। तो ये ग्रोइंग पैटर्न है यानी कि ये बढ़ता जाएगा, यहाँ रिपीट एक जैसा कोई भी नहीं हुआ है। ये बोलता है बट दिस पैटर्न कीप्स वन ग्रोइंग, इट डज नॉट रिपीट, ये बोल रहा है कि ये ग्रोइंग हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है एक भी पैटर्न। पेज नंबर 148, ट्राई दिस ऑल्सो, यहाँ पे देखो एक पैटर्न बना है, ये बना है, अब वन स्क्वायर के नीचे अंदर में हम दो लाइन करते हैं, टू लाइन करते हैं, तो ये फोर पार्ट में हो गया, फिर टू लाइन के बाद यहाँ पे फिर हम फोर लाइन करेंगे, वन टू थ्री फोर लाइन करेंगे, फिर फोर के बाद कितना करेंगे, सिक्स लाइन करेंगे, एक इधर से बढ़ाएंगे और एक नीचे से बढ़ाएंगे, तो सिक्स लाइन करेंगे, सिक्स के बाद कितना करेंगे, एट लाइन करेंगे, यानी एक इधर से बढ़ाएंगे और एक इधर से बढ़ाएंगे, दोनों साइड से एक एक लाइन बढ़ाएंगे, तो वन वन लाइन बढ़ाएंगे, तो ये हमारा एक नया पैटर्न बनता चला जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ वन ट्रायंगल है, वन ट्रायंगल के अंदर हम वन लाइन किए पहले तो फिर एक ट्रायंगल बन गया, वन ट्रायंगल बना, फिर उसके अंदर फिर हम टू लाइन किए तो टू लाइन किए तो फिर थ्री ट्रायंगल बन गया, फिर टू लाइन के बाद फिर हम थ्री लाइन किए, थ्री लाइन के बाद फिर फोर लाइन किए, तो इस तरह से हमारा ये एक नया पैटर्न बनता चला गया। ऐसे ही देखिए इसमें भी ऐसा ही है, ये लाइन पहले फिर इधर फिर ट्रायंगल बन गया, इस तरह से हम एक इसको नया डिजाइन यहाँ भी हम पैटर्न बना सकते हैं। फिर देखो माय वन पैटर्न्स, अब यहाँ पे आपको एक अपने आप से पैटर्न्स बनाना है, इसमें कुछ भी बनाना है, हम तो यहाँ पे ऐसे बनाए हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या किए कि पहले टू स्क्वायर बनाए एक के बाद एक एक साथ, फिर टू के बाद फोर स्क्वायर बनाए, फोर के बाद फिर सिक्स स्क्वायर बनाए, सिक्स के बाद फिर एट स्क्वायर बनाए, तो इस तरह से ये भी पैटर्न नया बन गया। फिर यहाँ देखो ये पहले वन बॉल बनाए फिर टू थ्री फोर, तो इस तरह से ये भी एक नया पैटर्न बन गया। यहाँ पे भी देखिए इस तरह से बना एक नया पैटर्न, पहले एक स्क्वायर बनाए वन स्क्वायर, वन स्क्वायर के ऊपर में फिर फोर स्क्वायर बनाए, फिर फोर स्क्वायर के ऊपर फिर से फोर स्क्वायर एक वन वन स्क्वायर बढ़ा दिए, फिर फोर के बाद फिर से वन बढ़ाए स्क्वायर, तो इस तरह से ये नया पैटर्न बन के तैयार हो गया। इसको भी देखिए यहाँ भी हम स्क्वायर का ही पैटर्न बनाए हैं, तो यहाँ भी वन लाइन किए और वन पैटर्न बनाए, फिर टू लाइन किए, फिर यहाँ फोर कर दिए वन टू थ्री फोर, तो ये नया पैटर्न बनता जा रहा है। तो स्टूडेंट आज हम यहीं तक सीखेंगे, आप इसको भी आप अपने घर में नोटबुक में टेक्स्ट बुक में कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम 149 पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे।